जी के साथ यहाँ डॉक्टर फारूक साहब को और उमर साहब को फॉर्मल तरीके से मुबारकबाद कहने आए थे। इसके बियॉन्ड अभी कोई बात नहीं है। वो जैसा कि कल उमर साहब ने कहा है कि उनकी फॉर्मल तरीके से जो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी उसके बाद वो अलायंस पार्टनर्स से बात करेंगे, तो लेट दैट हैपन। पहले इनकी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी, उसके बाद वो हमसे जो भी मामलात हैं कि फॉर्मेशन के बारे में लेटर ऑफ सपोर्ट है और वो उसके बाद होगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तरीके से सोलंकी जी के साथ यहाँ उनको मुबारकबाद देने आए थे। तो क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेके कोई बातचीत हुई है? मैं कह रहा हूँ कि अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। वो तब होगी जब अपना पहले ये लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग करेंगे, फिर वो अलायंस पार्टनर से बात करेंगे और जिसमें लेटर ऑफ सपोर्ट वगैरह का सारा मामला जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मुंह मीठा हुआ है। आपको लगता है सॉरी जो 5 MLAs नॉमिनेट किए गए हैं एलजी की तरफ से, आपको लगता है कि उससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं काफी देर से ये मेंटेन करता आया हूँ कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक, और उसके बाद में हमने एक कार्रवाई शुरू की है। लेट अस सी कि उसमें कहां तक हम कामयाब होते हैं, लेकिन जहां तक उनका इंडक्शन और उनका सपोर्ट टू बीजेपी होगा दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। आई डोंट फाइंड एनी सच प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू दैट। थैंक यू सर, थैंक यू।